हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो आज हम सीखेंगे कि जब भी हम 3ds Max यूज करते हैं तो उसके अंदर जो वीरे 5 है, जब भी हम इसकी वीरे एसेट ब्राउजर ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होता है। क्लिक कर रहे हैं पर मैंने मटेरियल लाइब्रेरी डाउनलोड भी की हुई है या आपने किसी फ्रेंड के पास से लेके यदि उसको आपने अपने में डाला है तो ये वाला एरर आ रहा है आपको कि कुछ एरर ही नहीं आ रहा है एक तरह से, मतलब आपको दिखा नहीं रहा है, शो नहीं हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है तो आपको ध्यान रखना है, जब आप 3ds Max इंस्टॉल किए हैं, जब वीरे इंस्टॉल किया है वीरे 5, तब यदि आप इंस्टॉल करते हैं तब आपके सामने कैसा विंडो खुलता है। 3ds Max रेंडर स्लेव पे क्लिक करते हो और आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हो तो एडवांस आता है और उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड वीरे मटेरियल लाइब्रेरी, तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है कि आपको कहाँ पे उसको लोकेशन रखना है। तो उस लोकेशन के लिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ से लोकेशन चेंज कर ली थी, तो जो भी लोकेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लोकेशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये इसके होने के बाद मैं चला जाता हूँ डिस पीसी ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरी सी ड्राइव, इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ से प्रोग्राम फाइल, इसके बाद मैं सासो ग्रुप और यहाँ से वीडे और वीडे के बाद मैं 3ds Max 2018 और यहाँ से बिन। फिर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे mtlib, ये वाला आपको एक फाइल मिल जाएगी, एप्लीकेशन mtlib मटेरियल लाइब्रेरी। ओके, तो ये वाले आपको फाइल मिल जाती है, इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डन कर लेता हूँ और यहाँ से यस। तो ये आपको टारगेट डायरेक्टरी मांग रहा है, तो मतलब आपकी जो लोकेशन है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरी जो लोकेशन थी, मैंने बोला था आपको कि मैंने जो रखी है वो फोल्डर है आपका, सेलेक्ट कर लूँगा, मेरे का ये वाला है। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होने के बाद डाउनलोड, इसका कारण यह है कि कोई ना कोई फाइल मिस हो जाती है यदि वो डाउनलोड नहीं हुई या गलती से डिलीट हो गई, तब ऐसे प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे 0 MB 39 MB। तो एक्चुअली क्या है, मेरी जो फाइल है, सब फाइल है, उसके अंदर एक ऐसी फाइल है जो मतलब 39 MB की है जो मेरे पास नहीं है, इसके लिए मेरे को उसमें वो शो नहीं हो रही है। तो ये देखिए आप डाउनलोड हो रही है, तो बस यही करनी है। यदि आपके पास यदि लाइब्रेरी है ही नहीं, यदि आपको पूरा डाउनलोड करना है तो सेम सिस्टम करके यहाँ पे कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके जो आपकी जहाँ पे लोकेशन है वो करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पूरी मटेरियल लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपके पास पूरी मटेरियल लाइब्रेरी नहीं है, मतलब है, तो आप ऐसे करके यदि एरर आ रहा है, यदि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसका ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो ये डाउनलोड हो रही है, तो मेरा जो 3ds Max है इसको ओपन क्लोज कर लेता हूँ, फिर से बाद में वापस ओपन करूँगा ये डाउनलोड होने के बाद में। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे डन डन बता रहा है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और इसको अभी हम क्लोज कर देंगे। ओके, ये भी अपने को क्लोज कर लेनी है। मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे और ये मेरा 3ds Max, इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हमारे सामने 3ds Max खुल चुका है, ओपन हो गया, और इसको पूरी तरह से ओपन होने देते हैं। ओके, अभी ओपन हो गया है। तो हमारी प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो मेरे एसेट ब्राउजर दिख नहीं रहा था। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, इसको यस कर लेंगे। ओके, ये देखिए हमारे सामने वीरे एसेट ब्राउजर ओपन हो गया है।
यहाँ पे ब्रिक्स, कारपेंट, सिरामिक, कंक्रीट, एमएसए, फैब्रिक, फोम, ग्लास, ग्राउंड, लेदर, लिक्विड, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, स्टोन, टाइल्स, वेरियस वॉलपेपर, वॉल पेंट, वुड एंड लेमिनेट, सब आपको यहाँ पे मटेरियल मिल गए। प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको साइज बड़ी करनी है तो यहाँ से आप साइज भी बड़ी कर सकते हैं। ओके, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।